नॉन नेसेसरी कि सब डॉग्स को नहाना पसंद नहीं होता है, दे आर एक्सेप्शनल जिनको नहाना बहुत पसंद होता है। Hey guys, I'm Dipti Vaidya and I'm back with Pet Hair Trimmer Review. इसके ऊपर मैं पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। पहले वाले वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने वो वीडियो पसंद किया और काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे। आई थॉट कि मैं आपको डेमो ही करके दिखा देती हूँ और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे ही सॉल्व करूँगी ड्यूरिंग द वीडियो। सो ये वीडियो आप आखिर तक देखना ना भूलें। हर नेम इज़ पेनी, शी इज़ 4 मंथ्स ओल्ड और ये मेरे वीडियो में हेल्प करने वाली है। मैंने अभी पेनी का हेयर वॉश कर दिया है। अगर आपके डॉग का या कैट के बाल बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड है तो कंडीशनर यूज़ करना ना भूलें। आप अपना खुद का कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हेयर अच्छे से ड्राई करें, हेयर ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं आप। जब आप कोम कर रहे हो रिमेंबर बैक टू फ्रंट कोम कीजिए, इससे इंटेंगल्ड बाल ईजीली रिमूव हो जाते हैं, आपके डॉग को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जो मैं कोम यूज़ कर रही हूँ ये मेटालिक कोम है जो आपको बॉक्स में ही मिलेगा एंड इट इज़ वेरी गुड। मेटालिक होने की वजह से ड्यूरेबल है, टूटता नहीं है। अगर आपको ये मेटालिक कोम यूज़ करने में दिक्कत हो रही है, कोम करने के टाइम आपके परेशानी हो रही है, तो आप प्लास्टिक का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो जो ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैंने अपने डॉग के पोनी बना दी हैं। नाउ आई विल गो ऑन द ट्रिमर। ये प्लास्टिक का जो अटैचमेंट है, ऐसे 6 अटैचमेंट आते हैं बॉक्स में, ये मैं 12 mm का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे बाल बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। जब मुझे बाल 0 साइज़ करने हैं तो ये 0 ट्रिमर मैं यूज़ करूँगी। यू कैन सी हाउ आई अटैच इट लाइक दिस। इसमें ये जो मेटालिक सर्कल है ये रोटेट होता है। व्हेन आई रोटेटेड ये जो वाइट ब्लेड है ये ऊपर नीचे होती है। रिमेंबर जब भी आप ब्लैक अटैचमेंट यूज़ करते हो तो आपकी वाइट ब्लेड टॉप पे रहे, इससे आपके बाल अटकेंगे नहीं और ट्रिमिंग आसानी से होगा। व्हेन आई स्टार्ट द ट्रिमिंग यू कैन सी पहले मैं कोम कर रही हूँ और उसके बाद मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। जब कोम कर रहे हैं तो बैक टू फ्रंट कोमिंग कीजिए और फिर बैक टू फ्रंट आप ट्रिमिंग कीजिए। मुझे काफ़ियों ने क्वेश्चन किया था कि जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो बाल अटकते हैं और ट्रिमिंग करना मुश्किल हो रहा है। यस यू आर राइट, ये तभी हो सकता है जब आप बालों के डायरेक्शन में जब आप ट्रिमर यूज़ करते हो तब बाल अटकते हैं और ट्रिमर रुकता है। तो इसके लिए स्टेप 1, पहले तो इंटेंगल बाल आप निकाल दीजिए अच्छे से। स्टेप 2, आप सेक्शन वाइज आप ट्रिमिंग कीजिए। स्टेप 3, बैक टू फ्रंट आप पहले कोम कीजिए और फिर बैक टू फ्रंट ट्रिमर यूज़ कीजिए, फिर फ्रंट टू बैक, इससे आपके बाल प्रोफेशनली कटेंगे और इन 1 लेंथ कटेंगे। जहाँ पे भी लंबे बाल हैं वहाँ पे आप कोम यूज़ कीजिए। कोम यूज़ करने के बाद एज यू कैन सी मैंने बाल पकड़े और फिर ट्रिमर से काटा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कट द हेयर। यही सेम प्रोसेस आपको पैरों में भी यूज़ करना है, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। सो द प्रोसेस इज़ सिमिलर। द ओनली थिंग इज़ दैट अगर इंटेंगल बाल नहीं होंगे तो आपको ट्रिमर यूज़ करना आसान पड़ेगा। इसके अंदर 2 बैटरीज दी हुई हैं, दोनों बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। स्मॉल ब्रीड के लिए 2 बैटरीज इनफ, बड़े ब्रीड के लिए बैटरी आपको फिर से चार्ज करनी पड़ेगी यूज़ करने के लिए। ये बैटरीज अगर आपकी पूरी तरह चार्ज नहीं है तो ये जो बाल अटकने का प्रॉब्लम है ना वो फिर से रहेगा। पेट पे मैं 0 ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ। रीज़न इज़ कि पेनी के स्किन थोड़ी सी मुझे पिंक स्पॉट्स दिख रहे हैं तो वेट होने की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं पेट पे पॉज में और बट साइज में मैं 0 ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ। अगर स्मॉल ब्रीड है तो आप पॉज में अंदर घुस के जहाँ पे बाल अटकते हैं उंगलियों के बीच में वहाँ पे भी आप ट्रिमर यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी पेनी इज़ रिलैक्स्ड और उसको परेशानी नहीं हो रही है। तो पॉज में और बट में ट्रिमिंग करना ना भूलें बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा टिक्स रहते हैं और बट के यहाँ पे हाइजीन मेंटेन रहेगा अगर आप ट्रिमर यूज़ करोगे।
ये ट्रिमर बिल्कुल गर्म नहीं होता, वाइब्रेशन से भी परेशानी नहीं होती है। यू कैन सी कि पेनी इज़ रिलैक्स, वो आराम से अपना ग्रूमिंग करा रही है, शी इज़ एंजॉइंग। आपके अगर डॉग को आप रेगुलरली कोम करते हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ट्रिमिंग के टाइम, लेकिन अगर आप रेगुलर कोम नहीं करते हो तो इंटेंगल बालों की वजह से, कर्ली बालों की वजह से आपको कोमिंग करना ज़रूरी है, देन ओनली आपका ट्रिमिंग आसान होगा। ये ट्रिमर का जो बॉक्स है इसके अंदर आपको नेल फाइलर, सिज़र और टू बैटरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली अमेज़ॉन में अवेलेबल है। एज़ यू कैन सी मैंने अपने डॉग के दो पोनीज़ बनाए हुए हैं। रीज़न इज़ दैट कि जब आप स्मॉल ब्रीड में पूरे बाल काट देते हो तो जब ग्रोथ होती है तो वो बाल डायरेक्ट आँखों में पेनिट्रेट होते हैं, उसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप पहले से पोनी बना के रखिए, पोनी जहाँ पे है वहाँ के बाल काटिए ही मत, उसको लंबाई रहने दो। तो वो क्या, आप रबर से पोनी बनाओगे तो उनकी आंखें क्लियर रहेंगी, वहाँ पे गंदगी नहीं होगी, चिपचिप नहीं होगा। अगर इनके स्किन में आपको थोड़ा भी पिंक स्पॉट या ऐसा कुछ दिखता है तो ज़ीरो ट्रिमर से तुरंत ट्रिम करके आप इसके लिए होम रेमेडी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए और टिक्स के लिए जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, वो भी आपकी क्यूरी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। एक आपको स्मॉल टिप देती हूँ मैं, बारिश से पहले आप अपने डॉग्स के बाल ज़रूर ट्रिम कीजिए, बिकॉज स्मॉल ब्रीड्स जो होते हैं उनके बाल नीचे टच होते हैं और अगर वो वेट रहेंगे और पॉज वेट रहेंगे तो आपके टिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और स्किन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बारिश से पहले आपके डॉग्स के बाल ज़रूर ट्रिम कीजिए। आँखों के पास में कभी भी ट्रिमर यूज़ मत कीजिए। आँखों के लिए हाउ टू कट द है वो मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, इट्स अ शॉर्ट वीडियो। आँखों के पास सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पर आप सीज़र यूज़ कीजिए, सीज़र भी आपको बॉक्स में अवेलेबल है। आई होप ये मेरा डेमॉन्स्ट्रेशन से आपके सारे क्यूरी सॉल्व हो चुके होंगे। जितने भी एनिमल्स हैं जिनके बाल हैं उनके बाल ये ट्रिमर से आप काट सकते हो। अगर स्टिल मैंने किसी के क्वेश्चन के आंसर देना मैं भूल गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। आई होप आपका सारे क्यूरी सॉल्व हो चुके हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डॉग लवर्स है जिनको सेम इशू है प्लीज़ ये उनको फॉरवर्ड कीजिए, एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी अपडेटेड रहेंगे। सी या।